ऐसा प्रतीत होना कि आपकी आंख में कुछ है, इससे बड़ी क्या समस्या हो सकती है। आंखों के एलर्जी के कुछ कॉमन लक्षण जो हैं, आंखों में फ्रीक्वेंटली लाली आना, बार बार इरिटेशन होना, या कुछ ऐसे लगना कि हमारी आंख में कुछ गिरा हुआ है जबकि कुछ होना, बार बार पानी चलना, या जिनकी एलर्जी बहुत ज़्यादा हो उनको धूप में चुंधलाहट हो, ये लक्षण गर्मियों में और मौसम के बदलने पर ज़्यादा देखे जाते हैं। इलाज की बात करते हैं तो इसमें कोल्ड कंप्रेशन या फिर हम बर्फ़ का टकोर जो करते हैं उसका बहुत अहम रोल रहता है। पेशेंट्स को इमीडिएट रिलीफ मिलता है। और कुछ तरह की मेडिकेशंस, जैसे हम एंटी एलर्जिक मेडिसिंस यूज़ करते हैं या कुछ ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, या कुछ लोगों में हमें सॉफ्ट स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं जो कि एक डॉक्टर की निगरानी में अच्छे से यूज़ करना ही एडवाइजेबल है, क्योंकि अगर ये लंबे समय तक और बिना किसी की प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ किए जाएँ तो इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की, जैसे सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर हम एलर्जी को कंट्रोल करने के बारे में कुछ बात करते हैं तो हम अपने आसपास कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कि जैसे अपनी बेडशीट्स, पिलो कवर या टॉवल फ्रीक्वेंटली बदले जाएं, घर में जब डस्टिंग हो रही हो तो उससे दूर रहें, एसी के वेंट्स को जल्दी जल्दी क्लीन करें, पेट्स के साथ खेलने पर हम हाथ अच्छे से धोएं, धूल मिट्टी वाली जगहों को हम अवॉइड करें और सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। अगर हम ये सब चीज़ें नियमित तौर पर करते हैं तो हम कुछ तो हद तक अपनी एलर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि आप अपने डॉक्टर को रेगुलरली कंसल्ट करें और उसकी सुपरविजन में ही ट्रीटमेंट लें।